बहुत पेन में थे और ही वाज वेरी पिस्ड ऑफ एज वेल कि यार रो रहा था क्वाइट लिटरली कि यार रोता तो वैसे ही रहता है। अगर बढ़ते हैं तो इट इज ब्राजील वर्सेस सर्बिया 2-0 टू ब्राजील। लेकिन सर्बिया की बड़ी तारीफ लोग कर रहे थे, बहुत सारे पंडित्स के कह रहे थे कि भाई आप इनको स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह का गेम कल इन्होंने खेला है आई थिंक ये दिन थोड़ा ब्राजील के फेवर में नहीं था। फर्स्ट हाफ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग गया, वरना दिस कुड हैव बीन इजीली 4-0, 5-0 जितनी ऑफ द पोस्ट निकली है बॉल्स। फर्स्ट हाफ में आई थिंक सिर्फ एक नोटेबल मोमेंट था जो रफीनिया का एक 1-on-1 चांस था, जिसमें उन्होंने बहुत इतने प्यार से उसने बॉल को मारी है कि मतलब कीपर के बिल्कुल हाथ में आके रोल हुई है। जिस तरीके से उसने कंट्रोल किया था, he could have easily smashed it in the net. मगर उन्होंने इतनी प्यार से चाहिए था फॉर श्योर, वो थोड़ा ज्यादा फिनेस के लिए चले गए, जाने भी फिनेस के लिए। रफीनिया ने दो चांसेस वेस्ट किए, दो अच्छे चांसेस वेस्ट किए इस पूरे गेम में, तो आई विल से कि रफीनिया को थोड़ा सा डाउट लग रहा है फॉर नेक्स्ट गेम इन माई ओपिनियन। मगर कमिंग टू द पॉइंट ऑफ रिचार्डसन के फर्स्ट हाफ में लीस्ट टचेस ऑन द बॉल ऑन द एंटायर पिच, सेकंड हाफ में भी लीस्ट टचेस ऑन द बॉल इन द एंटायर पिच अप अंटिल हिज गोल उसने सिर्फ 3 टचेस दिए थे बॉक्स जब उन्होंने गोल मारा है अपना पहला, ब्राजील का पहला गोल, तब वो पूरे मतलब वो जो प्लेयर्स मौजूद थे पिच में उनमें से सबसे कम टचेस ऑन द बॉल रिचार्डसन के थे, लेकिन सबसे जरूरी टच ऑब्वियसली। लेकिन वो शो करता है ना कि ही इज जस्ट अ टिपिकल पोचर जो कि आगे लर्क करता रहेगा, मौका मिलेगा फिनिश करेगा और उसने गेम फिनिश किया। मगर स्ट्राइकर की कितनी लोनली वो रोल है इस टीम में, मगर उसका हर जगह से कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है हर जगह से, सो इन्वॉल्वड। अगर टच आपको नहीं मिल रहा, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड जबरदस्ती थोड़ी नहीं जाके छीनेगा, नहीं अपने प्लेयर को टैकल थोड़ी नहीं मारेगा, वो थोड़ी बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि सिस्टम के हिसाब से अगर आपको टच नहीं मिल रहा, आप सेटल नहीं हो गेम के अंदर, तो फिर जब आपको एक्चुअल मेन मौका मिलेगा, अभी चलो रिचार्डसन डिड वेल, मगर आपको जब मेन मौका मिलेगा यू माइट नॉट टर्न अप, क्योंकि उसका उनका सिस्टम ही यही है कि उसको सिर्फ वो मोमेंट पे बॉल जाए जब उसने फिनिश करना है, उसका टच फिनिश वाला ही होना है, उनके साथ वो बॉल प्लेइंग स्ट्राइकर इतना नहीं रखते हैं, वो दे वोंट प्ले हिम लाइक जीरो। टचिंग द बॉल जस्ट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस ना, आई डोंट थिंक ही वाज शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। रिचार्डसन पे इतनी बात कर ही रहे हैं, रिचार्डसन पे अगर हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो मुझे बताएं आपके ख्याल में, इवन दो उन्होंने अब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली सबने प्रेडिक्ट किया था कि गैब्रियल जेसस स्टार्ट करेंगे बिकॉज द सीजन इज हैविंग, और मेरे ख्याल में ये प्योरली टैक्टिकल डिसीजन था क्योंकि सर्बिया के बड़े सेंटर बैक थे, उनके खिलाफ उनको एक बंदा चाहिए था इसकी प्रेजेंस हो, लेकिन हैज ही परफॉर्म्ड वेल इनफ टू गेट अनदर गेम अहेड ऑफ जेसस। 2018 में उन्होंने ब्राजील के लिए डेब्यू किया था, अब जब से लेके अब तक उन्होंने 19 गोल मारे हैं ब्राजील के लिए, इससे ज्यादा किसी और ब्राजीलियन प्लेयर्स ने गोल नहीं मारे, बनता है उसका एक क्वेश्चन या ये बनता है कि अब सर्बिया ये जो हार गया है इसके बाद इनकी आगे के मैचेस में, क्योंकि स्विट्जरलैंड इस ग्रुप से जीता हुआ है और सर्बिया कैमरून दोनों हारे हुए, तो ऑफकोर्स अब इनके लिए कैमरून के लिए बहुत ज्यादा टाइट पोजिशन टाइट है, राइट टाइट तो है, बट मुझे नहीं लगता कि सर्बिया ने इस गेम से कुछ एक्सपेक्ट किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ब्राजील हॉट फेवरेट्स हैं इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो उन्होंने भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम मैक्सिमम, उन्होंने जो सोचा था चलो सही 0-0 या फिर एक लो स्कोरिंग, और लो स्कोरिंग उनको मिल गया, तो सिर्फ -2 गोल डिफरेंस है, इट्स नॉट दैट बैड जितना होना चाहिए था। जिस तरीके से ब्राजील ने अटैक किया है आफ्टर द सेकंड गोल, ऑल ऑफ देम, कैसेमिरो का पोस्ट लगा था सेकंड गोल के बाद, गोल होने से पहले भी एलेक्सांड्रो का एक क्रेजी 35 यार्ड स्क्रीमर होने वाला था, पर वो भी पोस्ट लगा। If they lost 4-0, 5-0, फिर मैं बोलता कि इनका बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की थी, जब आप बोल रहे थे 4-5-0 होना चाहिए था, जब 2-0 स्कोर लाइन थी, मैंने 2-0 प्रेडिक्ट की हुई थी और मैं चाहता था कि 2-0 रहे, तो मैंने आखिरी 15 मिनट मैंने बिल्कुल वैसे ही देखा है वो मैच जैसे कि मैं एक हॉरर फिल्म देखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था ब्राजील गोल मारे, और ब्राजील शॉट पे शॉट लिए जा रही थी, कीपर बचा रहे थे, पोस्ट लग रहे थे, बिल्कुल भी एक्यूरेट स्कोर लाइन नहीं है, 4-5-0 होना चाहिए। और इवन फर्स्ट हाफ इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर ब्राजील क्योंकि चीजें होनी थी, एक पॉइंट इसमें था कि वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेमार टू स्कोर, मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर आया था, बल्कि गोल ने तो बोला था नेमार पेनल्टी मारेगा, लेकिन नेमार का जो वो है ना जो इंजरी है वो इस वक्त बहुत क्रूशियल है। हाउएवर विनिसियस जूनियर हैज प्लेड ग्रेट, उनको कुछ एंकल पे हुआ, एंकल इंजरी है जिसकी अब तक न्यूज नहीं आई है, पिक्चर आई है, वैसे एक पिक्चर आई है, बहुत स्वॉलन है और वो विजिबली बहुत पेन में थे और ही वाज वेरी पिस्ड ऑफ एज वेल कि यार रो रहे थे, रो रहा था क्वाइट लिटरली कि यार रोता तो वैसे ही रहता है।
कभी रोता रहता है कभी रोल करता रहता है मतलब नहीं मैं ये बोलूंगा कि कल उसने थोड़ी अपने जो मैच्योर खेलता है ना रोने उससे पहले जो आपने बोला एक लफ्ज आता है जो हम बोल नहीं सकते कैमरा पे तो वो उन्होंने कम की हुई थी मैच्योर हो गया थोड़ा सा आई वुड से मेसी के साथ फिर से खेल रहा है बड़ा सीनियर प्लेयर का रोल ले रहा है लेकिन ये कल की इंजरी बड़ी क्रूशियल है अगर उसका इट कुड बी एंडिंग हिज वर्ल्ड कप हियर या मोस्ट लाइकली अगला गेम मिस कर सकता है वो राइट चलें देखते हैं ये तो रहे कल के मैचेस